तो स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। हम पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में आखिर क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू ओपन द डीमैट अकाउंट, ऑल दोस थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं कि स्टॉक एनालिसिस कैसे करें, स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करें, क्या देखना चाहिए विद फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी यहाँ से। स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा नहीं कमाना है, एक पर्टिकुलर वे में पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना, अर्निंग करना है, तो आपको स्टॉक एनालिसिस आना जरूरी है। स्टॉक एनालिसिस से आपको एक व्यू मिल जाता है कि स्टॉक में दम है कि नहीं है, आगे ग्रो करने वाला है कि नहीं है, पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, और पर्टिकुलर है पिछले कुछ दिनों में पैसा बना के दिया है इस स्टॉक ने कि नहीं दिया, परफॉर्मेंस कैसी हो रहा। तो यहाँ पे ये जर्नी स्टार्ट होती है क्योंकि यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए पहले देखेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस को भी हम प्रेफर कर सकते हैं, बट हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें यहाँ पे देखना है स्टॉक एनालिसिस फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए हमको देखना है कि यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस में फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फिर हम देन जाएंगे वहां पे टेक्निकल एनालिसिस के लिए, जहां पे हम पर्टिकुलर एक टाइम पे हमें कब बाई करना चाहिए स्टॉक, इसलिए हम टेक्निकल एनालिसिस प्रेफर करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में हम सबसे पहले देखेंगे इनकम शीट। इनकम शीट में हमें ये पता चलता है कंपनी का रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट और लॉस कितना है, ये हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे मिलता है। ये हम अभी आगे चल के स्लाइड्स में जो अपनी हम फुली एक्सप्लेन करेंगे और दिखाएंगे कि इनकम शीट होती कैसी है। इसके अलावा देखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से हमें एसेट्स, बोरोइंग कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, ये सारी चीजें पता चलती है। कंपनी का कुछ पिछले कई सालों का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी पता चलता है, कंपनी में स्ट्रेंथ है कि नहीं है, पैसे से मजबूत है कि नहीं है। कैश फ्लो, अब हम देखेंगे कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी के पास कैपिटल कितना है, पैसा कितना है जो वो ऑपरेशंस को रन करने में यूज कर रही है, उसके पास इन हैंड पैसा कितना है। रेशियोस, ये एक तीनों का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो, कैश फ्लो, बैलेंस शीट और इनकम शीट, क्योंकि ये जो होता है ना टेक्निकली, मतलब हम इसको कैलकुलेशन वाइज निकालते हैं रेशियोस क्या है, जिससे हमें परफॉर्मेंस पता चलती है कंपनी की, वैल्यूएशन कैसी है, कहाँ पे बाई करना चाहिए, ये एक हमें टेक्निकली पता चल जाता है कि कंपनी बाई करने वाली है कि नहीं है, आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये सारी चीजें हमें रेशियो से क्लियर हो जाती हैं। बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट होती है, सिंपल रेशियो देख के भी हमें पता चल जाता है वैल्यूएशन कैसी कंपनी की, जैसे ईपीएस हो गया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया, ये सारी चीजें, आरओई हो गया, तो ये सारी चीजें हमें रेशियो से देखनी पड़ती है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे कैसा हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना है, और साथ ही साथ इसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। यहाँ पे इनकम शीट है अडानी पावर की। अडानी पावर के इनकम शीट में आप देख रहे होंगे कि क्वार्टरली और एनुअल दो बेसिस पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे इनकम शीट हमने लिया है एनुअल बेसिस पे 2024-2023 से लेके 2020 तक का, इसमें सारे पैरामीटर्स आएंगे टोटल रेवेन्यू से लेके ईपीएस तक। रेवेन्यू मतलब कंपनी ने एक साल में कितने का बिजनेस किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे 43,000 करोड़ का 2023 में था और 24 में पहुंच के 60,000 करोड़, मतलब यहाँ पे कंपनी ग्रोइंग है, ये पैरामीटर आपको देखना है कंपनी ग्रोइंग है कि नहीं है, मतलब बिजनेस उसका लगातार बढ़ रहा है। परसेंटेज वाइज देखेंगे नीचे परसेंटेज भी दिया हुआ है, 35% से 2022 से 2023 में ग्रो हुआ और 2023 से 2024 में 40% से। अब टोटल एक्सपेंसेस मतलब कि ये कंपनी ने बिजनेस करने में कितना अपना खर्चा किया, तो यहाँ पे देखेंगे 2023 में 43,000 रेवेन्यू जनरेट करने में कंपनी ने 35,000 करोड़ जो है कंपनी ने खर्चा किया था। और अगर इस बार देखें 2024 में तो 60,000 करोड़ के रेवेन्यू को जनरेट करने में कंपनी ने 39,489 करोड़ खर्चा किया। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है 2022 से यहाँ पे 40% से ग्रो हुआ था, बट यहाँ पे 2024 में 11% से लगभग 11.5%, तो ये जितना ही कम होगा वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, मतलब वहां पे प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जितना ही कम होना चाहिए, मतलब एक्सपेंसेस कम ही होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट देखेंगे, मतलब कि कंपनी ने टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट जनरेट किया टैक्स पे करने से पहले। 2023 में देखें 10,726 करोड़ कंपनी ने 2022 की कंपेरिजन में जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है जनरेट किया, मतलब कि अगर देखें तो 118% से ग्रो हुआ 2022 से 2023 में, उससे पहले 2,286% से, और इस बार की बात करें तो 94% से, मतलब कंपनी प्रॉफिट जो है
ईयर टू ईयर जो है डबल कर रही है। तो कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पे ये साइन है कि कंपनी ग्रोइंग है, प्लस कंपनी के पैरामीटर्स जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। हर साल अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, बिजनेस को ग्रो कर रही है, प्रॉफिट बढ़ा रही है, एक्सपेंसेस कम कर रही है। दिस इज अ पॉजिटिव साइन, ठीक है, और यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक है। इसके बाद अगर देखें तो ये सारे पैड परसेंटेज वाइज देख रहे हैं हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब कंपनी जो ऑपरेट कर रही है बिजनेस उस पर कितना प्रॉफिट मार्जिन है वो हम परसेंटेज वाइज यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे 28% से जो प्रॉफिट मार्जिन जो था 28% 2023 में था, अभी वो 48%। कंपनी अगर 15% 20% के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो टैक्स वगैरह पे करने के बाद देखा जाए तो 27.5% 2023 में, 2022 में 17.7, और अगर देखा जाए तो 2024 में 41.36। मतलब कंपनी लगातार यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, अपना प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे से बढ़ा रही है। बेसिक ईपीएस अर्निंग पर शेयर मतलब हमारे एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, हमारे इन्वेस्टमेंट पे कितना जनरेट कर रही है प्रॉफिट, तो 2023 में 24 रुपए 24.57, मतलब कि 24.5 रुपए जनरेट कर रही थी, और इस बार देखा जाए उसको भी डबल कर दिया, डबल से भी ऑलमोस्ट ज्यादा ही है, 51.51 रुपए। तो कंपनी का ईपीएस जितना ही ज्यादा होगा वो उतना ही बेटर है, उसकी परफॉर्मेंस जो है उतना ही अच्छा शो करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अडानी पावर की जो बैलेंस शीट मतलब कि इनकम शीट है वो काफी बेटर है, बहुत ही अच्छी है, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। ईयर टू ईयर ग्रोइंग कंपनी है, आप लगातार यहाँ 2020 से 2024 तक देखेंगे तो लगातार ग्रोइंग है। तो यहाँ पे हम इनकम शीट को इस तरह अपना एनालिसिस करते हैं और इसके हिसाब से हम अपना जो है प्लान बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। कंपनी अच्छी है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं अच्छी है, परफॉर्म नहीं अच्छा कर रहा है, स्कोप नहीं है, ग्रो नहीं कर रही है, तो आप नहीं कर सकते हैं। ये सब आपके डिसीजन पर बेस्ड है, बिजनेस मॉडल क्या है, आप कितना अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, फ्यूचर कितना है, इन सब चीजों पर बेस्ड है। अडानी पावर जैसे पावर का सेक्टर जो है वो काफी ग्रोइंग है इस टाइम, ठीक है, क्योंकि सोलर एनर्जी वगैरह सब आ रहे हैं और ग्रीन एनर्जी में कंपनी ऑलरेडी जा चुकी है, तो इससे ज्यादा मतलब कि ग्रोइंग चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी का फ्यूचर स्कोप भी है, प्लस कंपनी लगातार ग्रोइंग है ये भी है। फंडामेंटल एनालिसिस में द सेकंड थिंग इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब कंपनी में स्ट्रेंथ कितनी है, फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, वो सब चीजें देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे टोटल एसेट्स मतलब कंपनी के पास कितना पैसा है, वो उसमें इंक्लूड होता है प्रॉपर्टीज से लेके कैपिटल की जितना चल रहा है, ये सब चीजें ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह सब कुछ मिला के टोटल एसेट्स कंपनी के पास खुद का कितना है। लेबिलिटीज मतलब कि कंपनी पास कर्ज कितना है, कंपनी को चुकाना कितना है पैसा वो। इसके अलावा आता है टोटल इक्विटी, कंपनी के पास खुद के पैसे कैसे हैं। टोटल एसेट्स में लेबिलिटीज भी आ जाती है लेकिन टोटल इक्विटी में लेबिलिटीज माइनस हो जाती है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लेबिलिटीज। तीसरा है टोटल डेट टू इक्विटी मतलब कंपनी पे कर्जा कितना है उसका रेशियो विद डेट, डेट टू इक्विटी, कर्जा टू इक्विटी मतलब कि कंपनी का जो ये रेशियो होना चाहिए बिलो 1 होना चाहिए या बिलो 2 होना चाहिए, मतलब कंपनी के पास इतना पैसा होना चाहिए कि कंपनी को कर्जे को एक झटके में निपटा दे, बिलो 1 दैट इज बेटर, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कंपनी के पास अपने जितना डेट है ना उससे कहीं ज्यादा उसके पास पैसा है, तब ये जो रेशियो होगा ना डेट टू इक्विटी बिलो 1 आएगा। कंटिजेंट लाइबिलिटीज मतलब कंपनी पे कंटिजेंट लाइबिलिटीज का मतलब ये है कितना लाइबिलिटीज ऐसा है जो अनसर्टेन है, कभी भी आ जाता है, जो लाइक ऐसा कि कभी इनकम टैक्स वालों ने ठोक दिया कि ये भाई जीएसटी ये पैसा है ये आपको पे करना है, ये आपका मतलब कि अभी तक शो नहीं हो रहा था या कुछ ऐसा जो अचानक से आ जाता है खर्चा, कहीं कुछ हो गया कंपनी में, ब्लास्ट हो गया या कंपनी में कोई दिक्कत आ गई, कहीं कोई लॉस ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, मतलब अनिश्चित अनसर्टेन। फिर आता है हमारा करंट रेशियो, करंट रेशियो का मतलब कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं लाइबिलिटीज कितना है उसका रेशियो, करंट रेशियो। यहाँ पे कंपनी की हेल्थ फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है, कंपनी शॉर्ट टर्म वगैरह जितने भी छोटे मोटे कर्जे वो फटाफट निपटा देगी, ऐसी स्ट्रेंथ है कंपनी में कि नहीं करंट रेशियो से पता चलता है, क्योंकि ये होता है रेशियो करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज जो शुड बी एबव 1 होना चाहिए, मतलब वहां पे कंपनी के पास स्ट्रेंथ दिखती है, पैसा ज्यादा है, अगर बिलो 1 है तो कंपनी रेड में है, मतलब रेड फ्लैग, कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, कंपनी अंडर डेट है। ये सारी चीजें आगे आने वाली स्लाइड्स में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, चलिए देखते हैं विद एग्जांपल, क्योंकि बैलेंस शीट पूरा लिया है वहां पे अडानी
पावर का। तो यहाँ पे बैलेंस शीट है अडानी पावर की, जहां पे आप देख रहे हैं टोटल एसेट से कंटिजेंट लाइबिलिटीज तक के सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। और आप देख रहे हैं हमने क्वार्टरली लिया है 2020 से 2024 तक के। टोटल एसेट्स अडानी पावर के पास 2020 में 75,000 करोड़ के थे, जो 2024 में 92,324 करोड़ के हो गए। लगातार ग्रोइंग है कंपनी ने, अपने एसेट्स को बढ़ाया है, ठीक है, लगातार 7-4.5 ऐसे परसेंट से। अब यहाँ पे अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो कंपनी के पास जितना कम लाइबिलिटीज होगा, कंपनी उतनी ही हेल्दी है फाइनेंशियली, उतना ही स्ट्रेंथ है उसमें। 2020 में 68,468 करोड़ के इनके पास लाइबिलिटीज थे, अब वो घट के पहुंच चुके हैं 48,995। कंपनी ने लगातार 2022 से 2023 में देखे 11.5% से रिड्यूस किया, देन 12% से रिड्यूस किया लास्ट ईयर से 2024 में। अब यहाँ पे अगर दोनों को आप माइनस करेंगे ना, ऐसे टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे आपको इक्विटी पता चलेगी कंपनी के पास है कितना। कंपनी के पास जो 2020 में थी, कंपनी माइनस में थी, कंपनी के पास खुद का कुछ नहीं था, अंडर लॉस थी, ठीक है, मतलब डेट के अंदर थी। 2021 में 497, 2022 में अचानक से 1000% से ग्रो हुआ इनका टोटल इक्विटी ग्रोथ जो है, वो पहुंच गया 5488 करोड़, ठीक है। फिर 2023 में 16,414 करोड़। क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे लाइबिलिटीज को रिड्यूस किया है, दैट्स वाई यहाँ पे कंपनी का जो टोटल इक्विटी है वो यहाँ पे कंपनी के फेवर में जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। अब 2023 से 2024 में आप देखेंगे 35,583 करोड़, कंपनी का शेयर भी इसी वजह से भाग रहा है, ठीक है, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रेंथ अपनी इंक्रीज कर रही है, स्ट्रांग हो रही है, पैसा बना रही है, दैट्स वाई कंपनी का शेयर प्राइस भी भाग रहा है। वैल्यूएशन कंसर्न होगा ना, वैल्यूएशन को स्ट्रेच करेगा या वैल्यूएशन को वहां पे जस्टिफाई करेगा फाइनेंशियली, तो शेयर प्राइस तो बढ़ना है। करंट रेशियो 1.62, 1.10, 0.80 2020 में था, तो यहाँ पे 0.80 से 1.62 करंट रेशियो पहुंच गया, मतलब टोटल एसेट्स टू टोटल जो लाइबिलिटीज उसका रेशियो जो है 1.62 हो गया, मतलब कंपनी के पास पैसा है। 0.62 जो ऊपर का है ना, वो टोटल का कंपनी का पैसा है, ठीक है, कंपनी के पास खुद का इतना पैसा है कि उसका रेशियो जो है लाइबिलिटीज वो आज भी चुका सकती है झटके में। टोटल इक्विटी टू टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.96, बिलो 1 है, दैट इज अ गुड साइन ऑफ अ गुड कंपनी, मतलब कंपनी के पास इतना कर्जा नहीं है जो कंपनी चुका नहीं सकती। अब अगर पिछले साल ही देखो 2.56 था, अभी 0.96, मतलब कि कंपनी ने बहुत अपना कर्जा जो है रिड्यूस किया। कंटिजेंट लाइबिलिटीज जो है अनसर्टेन, वो लास्ट ईयर से बढ़ा है 18,863 करोड़। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट बनता है यहाँ पे, क्योंकि 2020 में 9100 करोड़ था, 6,000 करोड़, 2021 में 22 में 3664 करोड़, फिर डायरेक्ट 2023 में 10,353 करोड़, और उसके बाद 18,863 करोड़। तो ये कंपनी को चुकाना है जो अनसर्टेन एक खर्चा आ गया कंपनी पे। तो ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया लास्ट 5 साल में, लगभग 5 साल हो गए 2020 से 2024 के बीच। और कंपनी ने मतलब कि यहाँ पे एक जहाँ पे एक माइनस मतलब लॉस मेकिंग कंपनी थी, डेट में थी, वहां से आके पॉजिटिव साइन, प्लस अपने पास भी इतना पैसा बना लिया है बैलेंस शीट से पता चल रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं फाइनेंशियली हेल्दी कंपनी है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है लास्ट फ्यू इयर्स में। ये हो गया फंडामेंटल का, बैलेंस शीट का एनालिसिस। तो थर्ड थिंग इज कैश फ्लो इन फंडामेंटल एनालिसिस। इसका मतलब है कंपनी के पास कितना पैसा आउटफ्लो हो रहा है, कितना पैसा इनफ्लो हो रहा है ओवर अ पीरियड, मतलब कितना पैसा जनरेट हो रहा है और कितना खर्च कर रही कंपनी, जो उसके पास इन हैंड कैपिटल है उसका। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग आती है, फर्स्ट पैरामीटर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब कंपनी जो अपना बिजनेस कोर बिजनेस रन कर रही है उससे कितना जो कैश है वो जनरेट कर रही है, ठीक है, ये होता है इनफ्लो। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, मतलब कंपनी अपना पैसा जो कैश फ्लो है उसके पास जो कैश है उसको इन्वेस्ट करने में जो यूज कर रही है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मतलब जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो होती है उससे कितना पैसा कंपनी को जनरेट हो रहा है, कितना उसको मिल रहा है। और उसके बाद आता है नेट कैश फ्लो, मतलब ओवरऑल कितना कैश फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। क्लोजिंग कैश एंड क्लोज कैश इक्विवेलेंट, मतलब कि कंपनी ओवर अ पीरियड कितने रुपए पे आके क्लोज हुई और कितना उसका इक्विवेलेंट कैश है उसके पास। टोटल डेट टू सीएफओ, मतलब कैश फ्लो ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग जो बिजनेस ऑपरेट कर रही है
उससे जो कैश जनरेट हो रहा है उसका और डेट का रेशियो ये यहाँ पे देखा जाएगा ओवर अ पीरियड। तो चलिए इसका एक अडानी पावर के कैश फ्लो शीट से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैश फ्लो शीट अडानी पावर की, जिसमें 2020 से 2024 तक की सारी डिटेल्स दी हुई है। अब यहाँ पे बात करें एनुअल बेसिस पे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो कंपनी काफी हेल्दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पैसा जनरेट कर रही है। 5597 करोड़ 2020 में जनरेट कर रही थी, अभी हो चुका है 14,170 करोड़। मतलब कंपनी लगातार ग्रोइंग कैश फ्लो जनरेट कर रही है, ईयर टू ईयर अच्छा खासा जो अपने कोर बिजनेस है उससे पैसा जनरेट कर रही है। यहाँ पे अगर बात करें नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो जो माइनस में था मतलब कंपनी ने कहीं पे फ्यूचर एस्पेक्ट से पैसा अपना इन्वेस्ट किया था, अब उससे वो पैसा जनरेट कर रही है। और मे भी ये भी हो सकता है कंपनी ने कहीं पे अपना कोई इक्विपमेंट या मशीनरी या फैक्ट्री या कोई प्रॉपर्टी सेल की और उससे ये पैसा जनरेट हुआ, या कहीं पे इन्वेस्ट किया था उससे ये पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, या उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है उसका पैसा है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कंपनी कितना पैसा जो है अपने ऑपरेटिंग ऑपरेशंस के लिए फंड कर रही है बिजनेस में, जो 2377 करोड़ है वो था, वो अभी पहुंच चुका है 16,864 करोड़। मतलब कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये पैसा लगातार इन्वेस्ट कर रही है, फंड कर रही है अपने ऑपरेशंस को। इसका निगेटिव का मतलब कोई ये नहीं है कि कंपनी हेल्थ फाइनेंशियली हेल्थी नहीं है, मे भी ये हो सकता है फ्यूचर एस्पेक्ट से यहाँ पे कंपनी अपना पैसा जो है फाइनेंस कर रही है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। नेट कैश फ्लो यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए फाइनल वाला तो 916 करोड़ 2020 में था, पॉजिटिव था, दैट इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ अ गुड कंपनी। यहाँ पे -828 करोड़ 2021 में हुआ, अब ये पहुंच चुका है 787 करोड़। ये वेरी करता है, यहाँ पे ये एक साल का मतलब ये नहीं है कंपनी अगर निगेटिव यहाँ पे कैश फ्लो होता है तो कंपनी की जो पैरामीटर्स है वो निगेटिव हो गया या फाइनेंशियली कंपनी में स्ट्रेंथ नहीं, यहाँ पे वैरी करता है। कहीं आज इन्वेस्ट किया तो कहीं कल पैसा बनेगा, या कहीं वो पैसा कल निकलेगा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसकी भी तो वैल्यू बढ़ रही है। ये सब वैसे ही होता है कि यहाँ पे कंपनी के पास पैसा कैश में कितना आ रहा है। आपके पास आज कैश है कि नहीं है, आपने कुछ खरीद लिया वो पैसा आपके पास है तो आपके पास प्रॉपर्टी हो गई, ऐसा है। यहाँ पे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो लास्ट ईयर क्लोज किया 2024 में 1136 करोड़ है, जो 349 करोड़ था, यहाँ पे एक ये भी पॉजिटिव साइन है कंपनी के पास फाइनली पैसा है इन हैंड। अब यहाँ पे बात करें टोटल डेट टू सीएफओ, मतलब ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है उससे कितना पैसा जनरेट हो रहा है जो डेट को तुरंत चुका सकता है कंपनी, जो अभी रेशियो 2.42 है और इसके पहले 4.99 था। मतलब कंपनी यहाँ पे इसने जो रेशियो है कैश फ्लो टू डेट रेशियो या डेट टू कैश फ्लो रेशियो उसको रिड्यूस किया, दैट इज अ गुड साइन। तो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस का फोर्थ पार्ट है रेशियोज। रेशियोज मतलब कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जहां पे हमको एक कंपनी का ओवरव्यू मिल जाता है इन शॉर्ट टर्म, कंपनी का फाइनेंशियल से लेके कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी की रिटर्न्स, वो सारी चीजें हमको रेशियो से पता चल जाती है। तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो फर्स्ट पॉइंट है, कंपनी की वैल्यूएशन को लेके कंपनी का शेयर प्राइस कितनी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस जो शेयर प्राइस होता है अपॉन अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितना कंपनी जो प्रॉफिट है पैसा जनरेट कर रही है उसका रेशियो 20 से 25 जो होता है, 15 से 25 के बीच हम मानते हैं कि ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जहां पे कंपनी ओवर वैल्यूड भी नहीं अंडर वैल्यूड भी नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू, इससे हमको पता चलता है कंपनी की मार्केट में वैल्यू कितनी है, ठीक है। जहां पे प्राइस टू बुक वैल्यू हम कंसिडर करते हैं 1, 1 के नीचे अंडर वैल्यूड, 1 के ऊपर ओवर वैल्यूड, बट 4-5 चलता रहता है हर कंपनी का लगभग। रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी का खुद का जो पैसा है उस पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, ये भी 15 से 20% के बीच होना चाहिए जो रिटर्न ऑन इक्विटी, तब माना जाता है कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अपने पैसे का अच्छा यूटिलाइजेशन कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, मतलब बिजनेस को रन करने में जो सारा पैसा लगाया कंपनी ने उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, ये भी लगभग 15 से 20% के आसपास होना चाहिए। इसमें हम एसेट साथ मतलब इक्विटी के साथ साथ लाइबिलिटीज को भी लेते हैं, टोटल एसेट प्लस टोटल लाइबिलिटीज। यहाँ पे सिर्फ हम टोटल इक्विटी लेते हैं जो कंपनी के पास खुद का पैसा है उस पे। रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब कंपनी के जो एसेट्स हैं उस पे कितना रिटर्न बनना है, रिटर्न ऑन एसेट लगभग 5% के आसपास होना चाहिए, 4 से 5% एवव है तो बहुत अच्छा, 4 से 5% है ठीक ठाक, कंपनी है अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, पैसा बना रही है एसेट्स पे। इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम बाई
टोटल एसेट्स, मतलब कि जितना पैसा इनकम जनरेट कर रही है अपॉन टोटल एसेट्स कितने हैं, उस पे ये रेशियो माना जाता है। एसेट्स होते हैं रेवेन्यू जनरेट के काम आते ही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कंपनी का जो डेट है उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रही है और कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इविटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये सारी चीजें, और उसके साथ रेशियो होता है यहाँ पे इंटरेस्ट जो कंपनी पे कर रही है। अगर ये कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एबव 1 है तो कंपनी बेटर पोजिशन मानी जाती है। ईवी अपॉन एबिटा ये कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू को जो है जस्टिफाई करता है। ईवी इंटरप्राइज वैल्यू, एबिटा अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन अमाउंट एंड अमोर्टाइजेशन। बिलो 10 जो है ये एक अच्छा साइन इंडिकेटर माना जाता है। एसेट टर्नओवर रेशियो, मतलब कंपनी अपने एसेट्स का कितना अच्छा यूज कर रही है। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एस नहीं डबल ट्रिपल एस हो गया, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब अपने जो एसेट्स हैं उसका कितना बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन कर रही रेवेन्यू जनरेट करने में, ये होता है एसेट टर्नओवर रेशियो। अपने एसेट्स का यूज करना पैसा बनाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, फिर उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स, मतलब आप कितना सेल्स किए हैं, टोटल सेल्स अपॉन आपके कितने एसेट्स हैं ऑन एवरेज, ये होता है रेशियो। यहाँ पे अगर ये रेशियो मोर देन 2 है तब बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी अपने एसेट्स को यूज कर रही है, मोर देन 2 और 2.5। अगर ब्लो है तो यहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा कह सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे एसेट टर्नओवर रेशियो नहीं है। यहाँ पे अडानी पावर के रेशियोज का जो शीट है वो हमने उठाया है एनुअल बेसिस पे। 2023 से 2024 की रिटर्न ऑन इक्विटी 65% से 58%, ये 20 हमने बोला था 15 से 20 होना चाहिए, यहाँ पे 58 50% के ऊपर है, बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16 था जो 31 है, 100% अंडर क्राइटेरिया है। रिटर्न ऑन एसेट्स ये भी देख लीजिए 22% है, 12% से वो भी बढ़ गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे 8.30। एसेट टर्नओवर रेशियो 0.57। यहाँ पे ये थोड़ा कंसर्न है क्योंकि ये कंपनी ग्रो तो कर रही है यहाँ पे पिछले 3 साल से, बढ़ा तो रही है लेकिन उससे पहले बहुत अच्छा था, अभी ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट बन जाता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9.89, तो वैल्यूएशन यहाँ पे कह सकते हो अंडर वैल्यूड है, थोड़ा बहुत वैल्यूएशन कंसर्न है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का शेयर प्राइस जो है यहाँ पे अच्छी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.78। यार देखो कहते हैं 1 के नीचे होना चाहिए, 1 होना चाहिए, आपको बहुत सारी कंपनीज का बहुत ही रेयरली मिलेगा जिसका 1 के नीचे हो या 1 के आसपास हो, मोस्ट प्रोबेबली आपको 4, 5, 3 ऐसे मिलेंगे, तो वो ठीक ठाक माना जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू। ईवी अपॉन एबिटा 8.29 और एबिटा मार्जिन जो है 5.82 है। तो यहाँ पे ये आपको रेशियोज का पूरा नॉलेज दे देगा, यहाँ पे जो भी रेशियोज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है फंडामेंटल एनालिसिस में यूज होते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस के बाद आ गया हमारा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हम फंडामेंटल एनालिसिस को साइड में रख के करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी को किस टाइम बाई करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो टाइम फ्रेम लेंगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म से। मोर देन 1 ईयर तो आप वहां पे वीकली जा सकते हैं या डे वाइज देख सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में मतलब आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए देख रहे हैं तो डे वाइज या 4 आवर्स 3 आवर्स ऐसे देख सकते हैं। तो ट्रेंड ऑफ द स्टॉक मतलब कंपनी का, जैसे आप 3 साल के लिए देख रहे हैं तो 2-3 साल में कंपनी का ट्रेंड कैसा है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, पिछले 5 साल में कितने परसेंट रिटर्न बना के दिया है, कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीजें। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो शेयर जो है शेयर प्राइस भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में हम कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखते हैं, मतलब कुछ दिनों में जैसे हफ्ता वाइज देखते हैं या हम डे वाइज देखते हैं उसमें कंपनी का शेयर प्राइस कितने पे क्लोज हुआ, ये सारी चीजें। कौन सी कैंडल बना रही है, बुलिश है बियरिश है, शेयर का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है चार्ट है वो बियरिश चल रहा है, ये सारी चीजें। आप पता चले जब शेयर प्राइस गिर रहा है तब आप खरीद लो, ठीक है कि गिर गया है तो अब वहां पे कैंडल जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो भी नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए, चार्ट जो है वो बियरिश हो चुका है मतलब कि डाउनवर्ड चल रहा है, और आप सोच रहे हो कि गिर गया है तो हमको खरीदना चाहिए,
और वो पता चले वो उसके बाद और भी गिरता है, क्योंकि वहां पे जो होता है ना सेलिंग स्टार्ट होती है तब वहां पे रुकता नहीं है शेयर। कभी कभी होता है कि फिर से वो कोई ऐसा न्यूज आ गया या कुछ ऐसा हो गया कि फिर से बाउंस बैक कर गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, मतलब कि कौन से शेयर प्राइस पे शेयर का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट मिलेगा, जहां पे कंपनी का शेयर जो है फिर से अपवर्ड की तरफ जाएगा, और रेजिस्टेंस मतलब जहां पे रेजिस्टेंस फेस करेगा उसको ब्रेक करने में ऊपर बढ़ने में दिक्कत होगी, मतलब वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस होगा। ये सारी चीजें हम आपको आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में एक चार्ट से दिखा देंगे कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ट्रेंड क्या होता है, और यूज ऑफ इंडिकेटर्स। हम इंडिकेटर्स कुछ होते हैं जिनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो हो गया RSI हो गया, इसके अलावा MACD हो गया, एवरेज हो गया, मूविंग एवरेज वगैरह, ये सारी चीजें। तो ये है अडानी का कैंडलस्टिक चार्ट। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि ये किस टाइम फ्रेम में कैसे इसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, कैसे इसमें हम इंडिकेटर्स लगाते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताएंगे ओवरव्यू। इसका फुल वीडियो हम अलग डालेंगे कैंडलस्टिक का और पैटर्न्स का, कैसे ये सब चीजें समझते हैं। यहाँ पे डे वाइज हमने चार्ट लिया, मतलब कि एक कैंडल एक दिन की है। पहली बात, रेड कैंडल का मतलब है उसमें शेयर में फॉल हुआ है, शेयर जो है क्लोज हुआ है अपने जो ओपनिंग प्राइस है उससे नीचे है, तब हमारी बनेगी रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल का मतलब है जब हमारा प्राइस ओपन हुआ और उससे प्राइस ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुआ, मतलब कि 600 का ओपन हुआ, 610 पे क्लोज हुआ, तो 10 रुपए की वो ग्रीन कैंडल बनेगी। और जो आप देख रहे हो कि स्टिक्स जो अलग से बनती है, ठीक है, तो इसका मतलब है उस पूरे टाइम फ्रेम में उतने में ट्रेड किया, ये होता है इसका मतलब। अब ये हमारी कैंडल्स हो गई, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हमारे चार्ट पैटर्न्स कुछ बनते हैं, जैसे ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बना यहाँ पे, तो ये पैटर्न्स बनते हैं। जैसे हमने मान लो चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर बना और यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक कैंडल बनती है जो इसको ब्रेक कर देती है, तो ये ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है। अगर इसको नीचे की तरफ मतलब ब्रेक डाउन नीचे की तरफ अगर यहाँ पे कैंडल बनती है कोई, तो ये ब्रेक डाउन हो गया, तो यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे कि शेयर नीचे की तरफ जा सकता है, प्रोबेबिलिटी बनती है, 100% कंफर्मेशन नहीं होता, बस ये हमको एक कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पे चांसेस हैं ऊपर जाने की या नीचे जाने की। फिर हमारी बात आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। जैसे ये ब्लैक वाली आप देख रहे होंगे लाइन, ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट के काम कर रहा है, जैसे 630 31 रुपए सपोर्ट है, मतलब नीचे साइड में जहां पे सबसे ज्यादा कंपनी वो शेयर जो है कन्फ्रंट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने में या नीचे जाने में। नीचे जाने में मतलब कि कोई ऐसा शेयर प्राइस जैसे 600 रुपए है, 550 पे 2-3 बार यहाँ पे हिट करके फिर से बाउंस बैक हो रहा है, तो ये हमारा सपोर्ट का हो गया काम, ठीक है। ये हमारा जो प्राइस हो गया 550 से सपोर्ट का हो गया। अब मान लो ऊपर 600 रुपए है, तो 600 पर बार बार ऊपर हिट करके फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऐसे गया हिट किया फिर नीचे, गया हिट किया फिर नीचे, फिर गया फिर हिट किया, तो ये रेजिस्टेंस का काम किया। अब मान लो कभी ये शेयर 600 को पार कर जाता है तो ब्रेकआउट हो गया, वहां पे चांसेस बनने कंफर्मेशन मिल रहा कि ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर 550 को ब्रेक किया नीचे की तरफ तो ये ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे चांसेस बनने कि शेयर और भी गिर सकता है। ये हमारा हो गया कि चार्ट पैटर्न्स कैसे बनते हैं, क्या होता है इंडिकेटर्स, जैसे RSI हो गया यहाँ पे, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मतलब कि कंपनी में के शेयर प्राइस में स्ट्रेंथ कितनी है, वहां पे अगर नीचे की साइड ये घूम गया ना, ये नीचे साइड जब जा रहा है तो मान लो यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, डाउन साइड में जा रहा है, सेलिंग स्ट्रेंथ है। अगर अप साइड है तो ये मान लो कि यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ आ रही है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। इसका हम जैसे इंडिकेटर्स का हो गया, चार्ट पैटर्न का हो गया, कैंडलस्टिक का हो गया, ये सारा वीडियोस जो है ना अलग अलग बना के डालूंगा, इसी वीडियोस के साथ साथ आप उन सबको भी देखेंगे तो आप सारी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी धीरे धीरे। अभी तो हम आपको ओवर व्यू के साथ में एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं स्टॉक को सेलेक्ट करने की। तो आप अगर समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए साथ ही साथ, जिससे अदर लोगों को भी हेल्प मिले, वो पैसे गैम्बलिंग की तरह स्टॉक मार्केट में ना लगाएं। ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस
टेक्निकल एनालिसिस के अलावा एक अदर एनालिसिस होता है जिसमें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न, न्यूज अबाउट कंपनी, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ग्लोबल क्यूज, पॉलिटिक्स जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें देखते हैं। वो डे वाइज या कुछ टाइम की होते हैं, बट शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे ये तो हमको हमेशा देखना पड़ता है, क्योंकि अगर कंपनी में इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपने यहाँ डीआईज वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह और प्रमोटर्स का ज्यादा है तो कंपनी में एक स्ट्रेंथ बनी रहती है, कंपनी में एक भरोसा बन जाता है। तो इसमें जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें हम दो तीन देखते हैं मेन, जैसे प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की कितनी है, डीआईएस की कितनी है, म्यूचुअल फंड की कितनी, और अदर्स में हम रिटेलर्स आ जाते हैं। न्यूज अबाउट कंपनी, कंपनी के भाई कभी कभी न्यूज आ जाती है, कंपनी ने कोई प्लांट एक्वायर किया, कोई कंपनी एक्वायर की, तो वो पॉजिटिव साइन दिखाता है, कंपनी डिविडेंड दे रही, पॉजिटिव साइन दिखाता है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही, तभी तो पैसा दे रही है। इसके अलावा कोई निगेटिव आ गई, कंपनी को ब्लास्ट हो गया, या कंपनी पे जीएसटी की रेट पड़ गई, या कंपनी का जो सेल्स है वो डाउन है, ये सारे निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट आपके शेयर प्राइस पे पड़ता है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं तो कंपनी का जो है शेयर पे इम्पैक्ट दिखाई देगा, रिजल्ट्स नहीं अच्छे हैं तो वो भी इम्पैक्ट दिखाई देगा, फिर शेयर टूटेगा। ग्लोबल क्यूज, जैसे ग्लोबल क्यूज यूएस की इकोनॉमी हो गया, जापान का हो गया, चाइना का हो गया, इन सबका कैसा क्लोजिंग रहा, कैसा ओपनिंग रहा, कैसा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक मार्केट, उन सब का भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसका भी शेयर प्राइस पे स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट दिखाई देता है, फेड रेट, इंटरेस्ट रेट वगैरह इन सब चीजों का। पॉलिटिक्स इम्पैक्ट, जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो बहुत सारी पॉलिसीज चेंज होती है, उसका इम्पैक्ट दिखता है स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि उससे बिजनेस में भी प्रॉफिट कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान देना होता है जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी पे, किस कंपनी में किस चीज का कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये आपको पहले से एनालिसिस करना पड़ता है, तब आप पैसे लगाइए। देखो भाई, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना लॉन्ग टर्म का होता है, तो वीडियो तो लंबे हो सकते हैं, अगर आपको कुछ लर्निंग के लिए देखना है तो कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे वीडियो काफी लंबा हो गया, आधे घंटे से ज्यादा हो गया, बट अगर हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस कमेंट करिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।